और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट का पता चल सके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा साहब और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा साहब ऑफिशियल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल हैं उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेसिक मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताता हूं कि बेसिक ये जो चैनल है ये टेक रिलेटेड व्लॉग और टेक को मिक्स करके ये कंटेंट बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें मुझे आप सब लोगों की, आप दोस्तों की हेल्प चाहिए। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि हम मोबाइल्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उन्हें फ्रीज़र में रख के, तो वही भी जो वीडियो आप शुरू करते हैं। तो S10 प्लस एक मोबाइल होगा और Note 10 होगा, दोनों न्यू मोबाइल हैं। तो इन दोनों मोबाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। S10 प्लस के में कोक डालेंगे और Note 9 में हम मरिंडा की बोतल डालेंगे और दोनों को फ्रीज़र में रख देंगे 10 घंटे के लिए। पहले ये वीडियो बनाई थी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में बनाई गई हैं, पाकिस्तान में ये शायद ऐसी वीडियो नहीं बनाई गई। तो इसी तरह से ये भी मेरी पहली वीडियो होगी इस तरह करने की। तो जो भी होगा, अगर मोबाइल डेड होंगे तब भी दिखाऊँगा, अगर मोबाइल बच गए तो तब भी दिखाऊँगा। इंशाल्लाह जो भी ट्रू होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर ये वीडियो शुरू करते हैं। Oh, 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 oh
ऑफ नहीं हुआ और बैटरी भी वैसे ही चल रही है, ये टर्न ऑफ नहीं हुआ। तो इससे ये है कि नोट 9 की बैटरी टाइमिंग अच्छी है। और जो S10 प्लस है, S10 प्लस आपके सामने है, वाइब्रेट होके ऑन हुआ है और अभी ये चार्ज नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा। इसमें काफ़ी इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। अभी मैं इसे क्लीन, ये देख लें ये भी ऑन हो गया, मतलब कि 10 घंटे बाद भी, 10 घंटे बर्फ़ में रखने के बाद भी ये दोनों के दोनों सेट अभी सामने ऑन हैं। अभी ये लॉक, इसको अभी मैं क्लीन करूंगा, क्लीन करके इन्हें बस चार्जिंग पे लगाऊंगा और ये मोबाइल वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने गलती की है वो भी, ताकि मैं आपकी अपनी गलतियों को दूर कर सकूं। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।